चित्रकूट, चित्रकूट से बड़ी खबर, एक के बाद एक डकैत का हुआ खात्मा। हमारे संवाददाता दिनेश सिंह कुशवाहा की खास रिपोर्ट। सोशल शौकीन डकैत संजय कोल को चित्रकूट पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। देखिए आतंक के भी सोशल शौक। मारे गए 6.5 लाख के इनामिया डकैत दस्सू बबली कोल गैंग का खास खौफनाक चेहरे संजय कोल के सोशल एप्स के शौक की कुछ झलकियाँ। 1 लाख के इनामिया दस्सू संजय कोल लाइक और टिकटॉक में रहता था सक्रिय। संजय के सरदार बबली कोल भी रहता था सोशल का शौक। डकैत संजय कोल को चित्रकूट पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। डकैत बबली कोल और डकैत लवलेश कोल के खात्मे के बाद अब चित्रकूट पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान डकैत संजय कोल को दबोच लिया। एंटी डकैती टीम को मिली बड़ी सफलता। एंटी डकैती टीम के प्रभारी केपी दुबे और डीआईजी रेंज की टीम ने 1 लाख के इनामी डकैत को गुर्मसराय के जंगल से दबोचा। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 1 लाख के इनामी डकैत संजय कोल के मुठभेड़ में गिरफ्तार का मामला। इनामी डकैत सोहन कोल ने एमपी पुलिस की मुठभेड़ के कई राज खोल मुठभेड़ को बताया फर्जी। बबली और लोलेश को मिलकर हम लोगों ने उतारा मौत के घाट। बबली की कमर में एमपी पुलिस ने मुठभेड़ दिखाने के लिए बांधा था गोलियों वाला पट्टा। घटना के वक्त बबली के हाथ में नहीं था कोई हथियार। बबली के 30 स्प्रिंग राइफल से लवलेश और बबली को गोली मार किया खात्मा संजय कोल। दस्यू मुक्त हुआ चित्रकूट। एसपी चित्रकूट मनोज कुमार झा ने किया दावा। चित्रकूट से दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। लाइक की एक सोशल मीडिया ऐप है जिसमें और हम लोगों ने हम लोगों ने इसके आईडी को सर्च किया। हमने इसके आईडी पता जो है लाइकिंग की आईडी को सर्च किया। लाइकिंग आईडी से इसका हमारा फोटो प्राप्त हुआ और बहुत सारी जानकारी कार्य उस आईडी से हमें प्राप्त हुई और इसकी गिरफ्तारी करने में इस सोशल मीडिया खंगाल ने काफी एक बहुत बड़ा योगदान है और जिसके बाद इसकी इन्फॉर्मेशन जो इसकी इन्फॉर्मेशन हमने उसे गदर की और फिर हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी। तो सर कहेंगे कितने लोग ये सोशल मीडिया में थे या फिर लाइकिंग? देखिए सोशल मीडिया पे लाइकिंग पे ये भी था और लवलेश भी था। लाइकिंग के कुछ पोस्ट लवलेश के भी पोस्ट हैं लाइकिंग पे, दोनों पोस्ट हमारे पास हैं। लवलेश के पोस्ट से देखते हुए इसका भी पोस्ट ट्रेस हुआ था। इस तरह से दोनों को पोस्ट हमने ट्रेस किया था। बबली को नहीं रहता था, बबली जो है सोशल मीडिया पे उसकी कोई फोटो ऐसी नहीं है, सोशल मीडिया फोटो नहीं है। व्हाट्सएप जब शुरू में कुछ दिनों में 1-2 साल पहले कुछ व्हाट्सएप हमने दिए थे जो कि व्हाट्सएप पे उसका रोल दिखाया जाता था, अपना बंदूक दिखा के उसने गाने के साथ आया करता था। लेकिन 1.5-2 साल से उसने बबली कोल ने किसी भी सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करा था। लवलेश जरूर कर रहा था, माइकी पे भी कुछ गाने हैं और बाकी व्हाट्सएप पे भी कहीं कहीं भेजा करता था। तो उन सारी चीज़ों से हम उनकी गतिविधियाँ, उनकी लोकेशन सारी चीज़ें पता करती थी जो हमें कॉम्बिंग में तमाम मुठभेड़ में हमें सहायता मिलती थी। यहाँ तक कि 4 अगस्त की जो हमारी मुठभेड़ हुई थी जिसमें ये लोग बाल बाल बच गए थे और उनके राइफल और बड़ी मात्रा में हमें हथियार बना गोलियाँ इनकी गोलियाँ बरामद हुई थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का रोल था और हमारी सर्विलांस का रोल था। और खुद एक प्रकरण में जितने हैं उसमें हमारी सर्विलांस टीम जो है उसने बहुत अच्छा काम किया। उसकी लोकेशन सर्विलांस टीम दिया करती थी, उसके आधार पर हम कॉम्बिंग किया करते थे और